आरएमसी मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज है डे 15 और बच्चों की डिमांड पर हम लोग ओलंपियाड बेस्ड कॉन्सेप्ट सीरीज भी इसमें शामिल करेंगे। और आज इनके ओलंपियाड से रिलेटेड ही एक थोड़ा सा टॉपिक है जो मैं कवर करूंगा और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए सर्कल्स तो आपको पता ही है, एरिया सर्कमफेरेंस ये तो आपने देखा ही है, लेकिन सर्कल में कॉर्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, और उसी पर बेस्ड फिर एक क्वेश्चन करेंगे। एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, और सपोज इफ दिस इज़ अ कॉर्ड, इस कॉर्ड से अगर आप कोई भी एंगल बनाएंगे ऑन द आउटर पेरीफेरी ऑफ द सर्कल, जैसे आपने एक एंगल ये बना दिया सपोज, ठीक है, इस तरीके से आपने दूसरा एंगल ये बना दिया, ऐसे आप कितने भी एंगल्स बना दिए, दिस ऑल एंगल्स द वैल्यू ऑफ ऑल दिस एंगल्स इज गोइंग टू बी सेम लाइक एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो एक तो प्रॉपर्टी ये है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि वो सर्कल को, जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसके वर्टेक्स सर्कल को टच करेंगे चारों, इस तरीके से ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में खास बात क्या होती है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, सपोज ये एक्स है और ये वाई है, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, चाहे वो ऑपोजिट एंगल्स ये वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना। और सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री, तो याद रखना। स्पेशली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, साइक्लिक में याद रखना चारों पॉइंट्स मेरे सर्कल से टच होने चाहिए, तभी मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलूँगा, तो यू शुड नो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो। अच्छा, उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी सर्कल की है, और वो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इफ सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द कॉर्ड, अगर आप इस कॉर्ड से एक एंगल बनाएंगे सर्कल पे और इसी कॉर्ड से एक एंगल बनाएंगे आउटर पेरीफेरी में, तो जो भी एंगल बनेगा आउटर पेरीफेरी में, ये जो सेंटर वाला एंगल होगा ना, इट इज़ गोइंग टू बी द ट्वाइस ऑफ द एंगल विच इज़ मेड एट द आउटर पेरीफेरी। ओके, तो यू शुड नो ऑल दिस प्रॉपर्टीज़। अगर आपको ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ मालूम है ना, तो इस पर बेस्ड हम लोग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पैरेलल लाइंस का भी कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो एलिमेंट्री वाला पार्ट है। दिस इज द क्वेश्चन, ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट यू हैव टू डू, ए सी बी ओ, ए सी बी ओ एक पैरेललोग्राम दिया है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। काफ़ी बच्चे हैरान परेशान होते हैं कि सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, हम कैसे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होगी अगर, बाय द वे, तो अगर ये एक्स है तो इट्स गोइंग टू बी 180 माइनस एक्स, ये 180 माइनस एक्स है तो ये एक्स ही आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये एक्स है, इफ दिस इज एक्स, दिस ऑल्सो गोइंग टू बी एक्स ओनली। ये खास बात है इसमें पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की अगर ये खास बात आ गई, अब आप क्या करोगे, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करोगे इसको, इस लाइन को ऐसे 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 डॉटेड स्ट्रेच करोगे आप, ठीक है, और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आपको प्रॉपर्टी मालूम है। अच्छा, हमने एक और प्रॉपर्टी देखी थी, अगर एक कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है सेंटर पे और एक एंगल बन रहा है आउटर पेरीफेरी में, तो सेंटर का एंगल क्या होता है, ट्वाइस होता है, तो आउटर पेरीफेरी का एंगल कितना हो जाएगा, इसका हाफ, इट्स गोइंग टू बी एक्स बाई टू। और ये अगर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, सपोज इसको मैंने पॉइंट दे दिया डी, ओके, अगर आपको ए सी बी डी इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी अगर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो ऑपोजिट एंगल्स x प्लस एक्स बाई टू का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, इट्स गोइंग टू बी 3x/2 इज इक्वल टू 180 एंड x इज गोइंग टू बी 120 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्रीज। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया था, देन ऑल्सो यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ x बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी कि पैरेलल लाइंस हैं तो ये ऑपोजिट एंगल सेम होंगे। ठीक है, मतलब पैरेललोग्राम था और पैरेलल लाइंस का भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, और फिर क्योंकि एंगल सेंटर पे बन रहा है और एक एंगल, उसी एंगल को आप आउटर पेरीफेरी में बनाओगे, इट्स गोइंग टू बी द हाफ ऑफ द सेंटर, या सेंट्रल एंगल इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ द एंगल विच इज मेड ऑन द आउटर पेरीफेरी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऐसे और भी क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा। आई होप कि आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, एग्जाम में आने के इसके काफ़ी चांसेस हैं। ऑल द बेस्ट, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस तरीके के और वीडियोस अगर आप चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।